आधा घंटा यार की फिक्र करते हैं। हाँ? नहीं है वो अगर यार फिर तो ओके। इफ व्हेन इक्वल्स टू ट्रू, ये दोनों में से कोई भी आप कर लें ये आपका हो जाएगा। ओके जी, अब हमने क्या करना है, अगर ये हमारा व्हेन जो है ये ट्रू हो गया है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम आ गए हैं, अब हमने जी तुम्हारा भी मसला हो गया जो दोनों हो जाएंगे, पहले ये वाला हो जाएगा बस जो आपको समझ आए। एफिशिएंसी तो ये इसकी ज्यादा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि यहां पे फॉर करेक्ट गैस हमारा आ गया है, टोस्ट हमारा शो हो गया है, अब हमने नया एक वर्ड जनरेट करवाना है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं जी, जेन न्यू वर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक फंक्शन बना देता हूं जेन न्यू वर्ड, ऑल्ट एंटर किया। अब देखें अब देखें हमारा सारा काम जो था वो डायनामिक था, अब वो डायनामिक सारा काम कहां पे हो रहा था, सेलेक्ट वर्ड में, यही हो रहा था ना, यहीं पे वो रैंडमली एक नया वर्ड सेलेक्ट करता था और सारे काम करता था, ठीक है। तो अगर हम इसको दोबारा कॉल कर लें, इसी फंक्शन को कॉल कर लें, तो हमारा नया वर्ड वाला सारा काम तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीजों को सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने जितने एडिक टेक्स बनाए थे वो सारे के सारे क्या करने, हमने रिमूव करने। पहले अगर पांच लगे हुए थे, अब अगला वर्ड तीन का आ गया तो पांच क्यों लगे रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं जी, सबसे पहला काम ये करते हैं कि एल एल उसका नाम था एल एल डॉट रिमूव व्यू, ठीक है, एल एल डॉट रिमूव ऑल व्यू, जो कुछ है इसमें से वो रिमूव करें, ठीक है। फिर हमने क्या करना है उसके साथ, हमने कुछ और चीजें भी की थी, फॉर इंस्टेंस जो डब्ल्यू लेंथ वगैरह तो वहां पे सेट हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो काउंट था वो काउंट को भी हम बस यहां पे कर लेते हैं। तो यहां पे आके ये जो करेक्ट गैस था इसको दोबारा से क्या कर देते हैं, करेक्ट गैस को दोबारा से क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, विन को दोबारा से क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है ना। सेकेंड टाइम में ये चीजें दोबारा यूज होनी थी, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया है कि जितने व्यूज थे वो सब के सब डिलीट कर दिए और दोबारा से करेक्ट गैस को जीरो कर दिया। अब एक नया रैंडम जनरेट हो नंबर, रैंडम नंबर जनरेट होगा वर्ड लिस्ट के साइज से, वर्ड लिस्ट का साइज ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका था, रिड्यूस हो चुका था, तो उसमें हम एक वर्ड चूज करेंगे, उसको वर्ड लिस्ट में से रिमूव कर देंगे और उसके बाद बस अगेन से दोबारा उतने ही डब्ल्यू लेंथ के बराबर एडिट टेक्स्ट लेंगे और उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे, एंड वी आर गुड, समझ गए। हमने डायनामिकली ऐड करने भी देख लिए और रिमूव करने भी देख लिए, देखते हैं एक चलता भी है या नहीं। अच्छा फंक्शन ही कॉल किया नहीं किया, नहीं किया, क्या नाम था उसका, सेलेक्ट वर्ड, ठीक है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर यहां पे रहे ही कोई ना यहां पे रहे ही कोई ना तो फिर क्या होगा, पर अमल सारे वर्ड्स हमने गैस कर लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहां पे एक चेक लगा सकते हैं, जैसे अकाउंट जीरो हो जाए तो रिटर्न कर जाओ कि फिनिश द गेम या लेवल्स अप करते जाए या वट एवर जो भी, मतलब वो काम आप कर सकते हैं ना, फिर आगे इसको बढ़ाते चले जाएं। तो हमने ये अभी कॉल किए सेलेक्ट वर्ड, ओके। अब हम जरा इसको रन करके देखते हैं, और ये आप, ये एक छोटी सी गेम है जो आप अपने नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं या वट एवर,
अब इसमें और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, एक दो काम तो जो आपने करने हैं इसी के अंदर करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइज कितनी हुई हैं, कितनी ट्राइज में उसने कितने सही वर्ड्स गैस किए हैं, टोटल गैस वर्ड्स भी आ रहे हों, टोटल ट्राइज भी आ रही हैं। फिर आप इसको चैलेंज मोड में रख सकते हैं कि भाई 5 ट्राइज दे दें, तो 5 ट्राइज में क्या हो, वो जस्ट 5 ट्राइज हों। फिर इसको आप एक्स्ट्रा हिंट भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बड़ा एक वर्ड है और उसके अंदर आपने हिंट देना है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं अ वेजिटेबल, अ फ्रूट, एन एनिमल, अ बर्ड, वॉइस, कुछ भी जो है, कोई पिक्चर दिखा सकते हैं, कोई वर्ड दे सकते हैं, एंड सो ऑन। उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक और एरे बना लें उसी तरह की, हर इंडेक्स के साथ उसका हिंट है वो भी रखते हैं, उसकी पिक्चर भी रख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर जब इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो फिर उसको हमें बेहतर होगा कि हम एक क्लास बना लें, ऑब्जेक्ट बना लें, हर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करें उसको, वो सारी चीज़ें वैल्यू करें ताकि वो एक जगह पे इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको असाइनमेंट दे देते हैं। अब ये क्या है जी, ये देखें, आप देखते हैं फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जिस इंडेक्स के ऊपर वर्ड है उसी इंडेक्स के ऊपर उसकी जो है वो हिंट भी पड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये रखा था ना एप्पल, बेल, कैट, तो यहां पे भी बनाता हूँ ये हिंट्स की एरे, हिंट्स की एरे बनाई, यहां पे मैंने रख दिया ये फ्रूट, यहां रख दिया थिंग, यहां पे रख दिया पैट कर, ठीक है। अब जो ये मैंने सिलेक्ट किया उसके साथ ही आइए ये भी सिलेक्ट कर इस तरह के, लेकिन इसका बेहतर तरीका क्या है कि आप एक बनाएं क्लास वर्ड, क्लास वर्ड बनाई, उसमें आ गया स्ट्रिंग वर्ड या जो भी आप इसका नाम रखिए, डब्ल्यू या व्हाटएवर जो भी है, वर्ड डिटेल, इसको इस क्लास का नाम रखते हैं, ये आ गया हमारे पास आपका क्लास, आ गई स्ट्रिंग वर्ड, फिर आपने यहां रख दिया स्ट्रिंग हिंट, स्ट्रिंग हिंट, उसके साथ आपने रख दिया जी कोई इमेज, इमेज का जो भी आप रेफरेंस रखना चाहते हैं, वो जो जहां पे था आईडी आपने रख दिया, इंट रख दिया आपने आई आईडी यानी इमेज आईडी, ये आप, अब ये पूरे का पूरा जब आप बनाएंगे वर्ड डिटेल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएंगी, तीनों चीजें आप ऐड करेंगे और देन वो पूरे का पूरा आप इसमें डाल दें उस एरे लिस्ट में। अब एरे लिस्ट आप जो बनाएंगे वो स्ट्रिंग की नहीं बनाएंगे बल्कि किसकी बनाएंगे, वर्ड डिटेल्स, आईएथ वैल्यू आप सेलेक्ट कर दो, वर्ड डिटेल का पूरे का पूरा आप एक गेट कर लेंगे ऑब्जेक्ट, उसमें से उस ऑब्जेक्ट डॉट वर्ड करेंगे तो आपको वर्ड मिल जाएगा, हिंट करेंगे तो हिंट मिल जाएगा, और पिक्चर उसकी डिस्प्ले करवानी है तो पिक्चर डिस्प्ले करो। हाँ, ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है जी, अब तीन एरेज की जरूरत नहीं है ना, अब तो तीन एरेज की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि वर्ड डिटेल्स की एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ड डिटेल इक्वल्स टू न्यू या ओ इक्वल्स टू न्यू वर्ड डिटेल, ये आपने दे दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे ओ डॉट, ओ डॉट अगर आपने फंक्शन बनाए हुए हैं सेट वर्ड कर देंगे, अगर इसको पब्लिक रखती है तो आप सिंपली करेंगे ओ डॉट वर्ड इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ओ डॉट हिंट इक्वल्स टू दिस, ओ डॉट इमेज इंडेक्स इक्वल्स टू दिस, और देन जो आपने एक एरे लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर इसको ऐड करवा दीजिए, तो अब आपकी वो एरे लिस्ट ही मेन बन जाएगी। अब इसके लिए फिर जाहिर बात है आप इतनी लंबी, अगर आपने इसको, अब इट डिपेंड्स कि अगर आप इसको एरेज के थ्रू करना चाहते हैं और फॉर लूप में करना चाह रहे हैं तो आप फॉर लूप में तीन एरेज बना लें, ऊपर वर्ड्स की, उसके नीचे हिंट्स की, उसके नीचे आईडीज की, और वो आप गेट कर लें, या आप फाइल बना लें तो फाइल में से इसको रीड कर सकते हैं, या आप डेटाबेस बना लें तो डेटाबेस में से रीड कर सकते हैं, ये तो अब आप पे ना, एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलें इसको हम देखते हैं, ए डबल पी एल ई एप्पल, लें जी एप्पल, कॉन्ग्रेट्स हो गया, अगला आ गया बी डबल ए बी ए
डबल है। बहुत अगला आ गया जी कैट। अब क्या है? अब बोलो ना। अब देखें किसी मतलब अभी किंग है। एलिफेंट ठीक है। तो मैं कल दोबारा रख के आऊंगा। अच्छा जी, तो अब आपकी असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक तो मैंने कल आपको दी थी, उसके अंदर हर मर्तबा जितने भी आप डब्बे बनाते हैं उसमें 10, 5, 15, 20 जितने मर्जी आप बनाते हैं, हर मर्तबा हर डब्बे के ऊपर जब भी वो रन हो हर डब्बे के ऊपर पिक्चर भी डिफरेंट आए और उसके अंदर जो इनाम है वो भी रैंडम हो। रैंडम आए मतलब रैंडम आए। इनाम रैंडम कैसे हो गए? इनाम तो फिक्स हो गए ना। इनाम क्यों फिक्स होगा भाई? डब्बे के ऊपर सर एक जब गेम चल रही हो उस वक्त तो फिक्स होगा। अगर पहले वन में था कि स्लैप मी टू टाइम्स, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वन के ऊपर हो सके गिव मी 100 रुपीज। हर मर्तबा जब भी गेम रन हो चेंज हो, अदरवाइज बंदे को पता चल जाएगा। सर ये इमेज बटन आप कर सकते हैं, सिंपल बटन का बैकग्राउंड लगा दें आप पे है। वो तो कोई भी इमेज उस बटन को हम दे देना सर, वैसे ही काट वो सेलेक्ट करते हैं उस इमेज को तो सर। हाँ सिंपली वो तो वैसे इमेज देने हैं आपने, मगर अगर आपके 15 अगर आपके बटन्स आप बनाते हैं तो आपके पास 15 इमेजेस भी होने चाहिए और 15 कोई ऑप्शंस भी होनी चाहिए। अब जब आपकी गेम रन हो तो रन टाइम के ऊपर रैंडमली वो 15 इमेजेस भी उनको असाइन हो और रैंडमली उनको वो वैल्यूज भी असाइन हो। सिंपली एक फॉर का लूप लगेगा, ये बहुत आसान है। दूसरा आपने इसी गेम के अंदर करना है चैलेंज मोड बनाना है, यानी नंबर ऑफ ट्राइज यूजर खुद एंटर करे कि मैं इतनी नंबर ऑफ ट्राइज में वर्ड गेस करूंगा, ठीक है। तो चैलेंज मोड एक अलग बनाना है और उसके साथ आपने उसका हिंट मॉड्यूल रखना है। बेशक उसके अंदर आप ये वाला ना रखें, पिक्चर वाला बेशक ना रखें, लेकिन अगर यूज़र वहाँ पे एक बटन क्लिक हो कि अगर कहता है गिव मी अ हिंट, तो वो जिसके ऊपर जिस तरह बल्ब सा बना होता है गेम्स के अंदर, वो क्लिक करें तो एक टोस्ट पे शक शो हो जाए या कहीं पे डिस्प्ले हो जाए फ्रूट है, वेजिटेबल है, थिंग है, व्हाटएवर जो भी। सर ये एप्पल के अगेंस्ट उसका हिंट रखेंगे, एप्पल का के अगेंस्ट उसका। हाँ जी जाहिर बात है, फॉर एग्जांपल वर्ड्स कोई 10 हो तो 10 हिंट, 10 हिंट्स होंगे डेफिनेटली। और ये वाली हिंट भी होंगे ऊपर, ये नहीं इसको खत्म करना, ये वाले तो हैं ना, इसको खत्म करना चाहते हैं उसको भी खत्म कर दें, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों आपकी असाइनमेंट्स चेक होंगी मंडे को, या आपने लेके आनी है, खुद बनानी है, अनस भी खुद बनाएगा, ठीक है, नहीं बनाएगा तो पकड़ा जाएगा, और क्विज भी होना है, ठीक है। ये जो दो असाइनमेंट्स हैं इसी तरह का होगा, याद नहीं करके आने का फायदा होगा कोई, ठीक है। तो पेपर में नई चीज नहीं बनती है, पुरानी दे दिया करूं यार जो आपने याद की हो। अच्छा वैसे मजे की बात यह है, पिछला पेपर तो सारा वही था जो मैंने आपको दिया, उसमें कोई चेंज नहीं थी। अब पता चल गया ना, चेंज थोड़ा सा तो होगा ना, आप सारे याद करके आ जाएं तो वो तो पर्पस हालना होता ना। अगर आपको चीज़ का पता, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रैंडम बटन बना के उसके ऊपर आप रैंडम कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं, तो कोई भी आपको इस किस्म का दे दिया जाए तो, फॉर एग्जाम्पल आप वो दे दिया जाएगा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको क्या दिया जा सकता है क्वेश्चन, कि एक कंप्यूटर प्लेड टिक टैक टो बना दो जिसमें एक टर्न यूज़र करे और दूसरी टर्न जो है कंप्यूटर खुद करे। जो वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कहते हैं रैंडमली वो कोई भी डिसाइड कर ले, जो अवेलेबल है उसके ऊपर जाके वो अपना टिक कर ले। इंटेलिजेंट बनाए तो फिर उसके लिए पूरे के पूरे वो हैं, नहीं बड़ा मुश्किल नहीं है, एल्गोरिथम्स है पूरे एआई के, मुश्किल नहीं होते। इस तरह आपको चेकर गेम बनाने के लिए, वैसे वो भी बना सकते हैं यार आप, चेकर गेम वो नहीं होती वो ब्लैक डॉट्स वाली जो गेम होती है, ब्लैक और वाइट जो होती है दो प्लेयर्स खेल, और जिनको ज्यादा है तो सीम बकरी भी खेल सकते हैं अगर आपने कभी खेल लिया तो, ठीक है।